तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रक्चर दिया गया है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो सारा कवायद तो हमारा क्या होता है, इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाने के लिए, मतलब छोटे क्लस्टर्स में आप ब्रेक कर लेते हैं जिनका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है। खैर, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से हमें देखना है इस चीज़ को, हम क्या करें, दोनों के अलग अलग डिनोमिनेटर के नीचे कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन क्यूब है, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन बचेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कॉस कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह से क्या बचा आपके पास, जो आपके पास बचा स्ट्रक्चर, ऊपर एक साइन बचा, नीचे दो कॉस, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू वन बाई कॉस एक्स। सारा आपके पास कवायद होती है क्या करने की, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाने की, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा वन बाई साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, टेन एक्स और सेक एक्स, और टेन एक्स एक्स इजिली इंटीग्रेबल हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, कॉट एक्स कोस एक्स, उसका भी फॉर्मूला होता है। तो ये एक स्टेप अहेड है हम लोग, और इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन एक्स सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स एंड प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉट एक्स और कोसेक एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, ये तो इजली इंटीग्रेबल है। क्या हो जाएगा आपका, सेक एक्स, और उसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।